जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया हुआ है, देखते हैं क्या है। तो पहले हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी बात की जाएगी। क्या है ये क्वेश्चंस? फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर पी, यहाँ कहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर पी है, कंसीडर द होलोमार्फिक फंक्शन एफ ऑफ जेड, साइंस जेड अपॉन जेड रेस टू द पावर पी। ये होलोमार्फिक फंक्शन है फॉर जेड बिलोंग्स सी माइनस जीरो, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में वो होलोमार्फिक है एक्सेप्ट ओरिजिन पे। उसके बाद कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज देयर एग्जिस्ट होलोमार्फिक फंक्शंस जी सच दैट, अगेन इसके भी डोमेन में ओरिजिन नहीं है, सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश जेड फॉर जेड बिलोंग्स दिस। क्या क्या ऑप्शंस है वो बात दी हुई है। तो हम बात यहाँ सॉल्यूशंस की ही करेंगे। क्या है ये होलोमार्फिक, मुझे निकालना है कि मुझे जी ऑफ जेड की तलाश करनी है, एफ ऑफ जेड दिया है। अंडर कंडीशन क्या है यहाँ कि जो कंडीशन है आपके पास, जो गिवेन है, वो है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी डैश जेड, मतलब डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब एंटी डिराइवेटिव की बात है यहाँ। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, जैसे है ये जी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो हमें उस जी जेड की तलाश करनी है जहाँ इसका डिफरेंशिएशन जो है एफ ऑफ जेड के इक्वल होता है। तो इंटीग्रेटिंग अगर ऑन बोथ साइड अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, ये जी ऑफ जेड पता है, हम वहाँ इंटीग्रेट करना है जहाँ इंटीग्रेबल है, और जहाँ इंटीग्रेबल नहीं है उसकी बात नहीं करनी है। तो जी ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा वो जो रीज़न होगा, जो भी रीज़न होगा, वो रीज़न में क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ओके, ये बात क्लियर है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में खासियत होती है ना, वहाँ आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। विदाउट रीज़न इसके इंटीग्रेशन से कोई बहुत मीनिंग नहीं होती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। बट रियल एनालिसिस की दुनिया में एक इनडिफिनिट इंटीग्रल का कंसेप्ट है जहाँ उसकी मीनिंग होती है। बट यहाँ जो भी हमारे इंटीग्रेशंस हैं वहाँ रीज़न डिफाइंड करना पड़ेगा, पाथ डिफाइंड करना पड़ेगा, तभी उसके इंटीग्रेशंस की मतलब है, अदरवाइज के इंटीग्रेशंस का कोई मीनिंग नहीं है। जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस लैम्डा, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड हमारे यहाँ क्या है भाई, व्हाट एफ ऑफ जेड हमारा जो है वो गिवेन है साइन जेड अपान जेड रेस टू द पावर पी, और ये डी जेड प्लस लैम्डा। ओके, कह रहा है कि ये कहाँ पे z ऑफ z जो है एग्जिस्ट करेगा, p की क्या वैल्यू होगी कि ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ देखिए, साइन z अपन z के पावर p जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे, तो साइन z को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंटायर द कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड है। इसका एक्सपेंशन ये है मेरा z 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंडर्स 1, साइन जेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये हमारा इंटीग्रेबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब नीचे यहाँ जो z आ गया है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर उसके इंटीग्रेशंस में 1 बाई जेड की चीज़ें नीचे पता रह गई, बाकी रह गया, तो फिर इसका इंटीग्रेशन लाग जेड हो जाएगा, और लाग जेड अगेन जो है हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अगर ये चीज़ अगर नहीं आती है तो अपनी बात होगी। तो देखते हैं, तो पी की वैल्यू क्या क्या हो कि 1 बाई जेड नीचे ना हो। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो जी ऑफ जेड इज इक्वल टू डी साइन जेड जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 जेड रेस टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड रेस टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, सबको पता है, अपान जेड रेस टू द पावर p, और ये हो गया डी जेड प्लस लैम्डा। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, सभी स्मूथ ढंग से चीज़ें चल रही हैं। अब हमें P की तलाश करनी है कि P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि ये इंटीग्रेशंस मेरा डिफाइंड हो जाए। हमने कहा कि अगर Z नीचे बचेगा तभी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, Z स्क्वायर भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ देखिए, अगर P मैं 1 ले लूँ, इफ टेकिंग P इज इक्वल टू 1, तो P 1 लेने पे क्या होगा, तो यहाँ Z बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, Z स्क्वायर बचेगा, बाकी का इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये Z Z से कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर P मैं 2 ले लूँ, तो P 2 लेने पे क्या होगा, व्हाट, अभी मैं बताऊंगा इसको मैं जनरल क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, जनरल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकाल रहे हूँ और जब पर्टिकुलर चीज़ हो ना, तो थोड़ा पर्टिकुलर वैल्यू लिखिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि फार्मूले में जनरल तो दिखाई देता है, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां वो चीज़ डिफाइंड नहीं होगी, तो यू हैव इन प्रॉब्लम। तो जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे हो और इस टाइप की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए थोड़ी एक दो वैल्यू अलग लिख करके आप टेस्ट कर लीजिए कि देखिए उसके लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके बाद तो जनरल मिलना ही मिलना है। और उसकी भी मैं बात करूँगा कि मैंने जनरल क्यों नहीं लिखा है, व्हाट इज़ द रीज़न, अभी उस चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊँगा, पहले मैं इसकी थोड़ी यहाँ बात कर लूँ। तो अगर P मैं 2 लिखूंगा, तो फिर यहाँ 1 बाई जेड आ जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो P 1 बाई 2 नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर P मैं यहाँ 3 ले लूँ, तो देखिए क्या आएगा, तो जब ये जेड क्यूब लेंगे, तो जेड बाई जेड क्यूब जेड स्क्वायर, 1 बाई जेड स्क्वायर नीचे आएगा और उसका इंटीग्रेशन 1 बाई जेड आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके डोमेन्स में आपका जीरो नहीं है, तो जब डोमेन्स में जीरो नहीं है, तो जो भी इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं वहाँ जीरो है ही नहीं, तो और 1 बाई जेड को जीरो पर ही प्रॉब्लम है, तो फिर वो अगर जीरो वहाँ नहीं है, तो इसकी वैल्यू मेरी जो भी होगी, दिस इज़ द फाइनाइट, इनफाइनाइट होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जेड इज, अच्छा एक क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद जो भी पावर होंगे जेड पे पॉजिटिव पावर आएंगे, तो फिर उसका इंटीग्रेशन इजिली निकाल सकते हैं, और किसी भी रीजन में उसकी वैल्यू फाइनाइट हो जाएगी। तो फिर क्या, जेड इज इक्वल टू 3 है, पी इज इक्वल टू 3 के लिए होगा, अगेन अगर मैं 4 यहाँ लिखूंगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जेड 5 अपान जेड पे 4 होगा, तो 1 बाई जेड होगा, अगेन उसका इंटीग्रेशन लाग जेड हो जाएगा, और लाग जेड उस डोमेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहाँ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहाँ फंक्शंस मेरा डिफाइंड नहीं होगा, तो 4 पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम 4 नहीं लिखेंगे। अब अगर हम 5 लिखते हैं, तो 5 लिख के देखिए, 5 लिखेंगे तो ये कैंसिल होगा, बाकी यहाँ जेड के पावर 4 आएगा, जेड अपन स्क्वायर आएगा, तो वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके इंटीग्रेशंस में। अगर 6 लिखेंगे तो अगेन 5 वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, 7 वाले पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, 8 वाले पे अगेन प्रॉब्लम आएगी, 9 पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10 पे प्रॉब्लम आएगी, 11 पे नहीं आएगी। तो पी की ये वैल्यू जो आप लिखने जाएंगे, जब उसको आप पूरा इंटीग्रेट करेंगे उस इनफाइनाइट सीरीज को, तो उसका इंटीग्रेशन ईच पॉइंट पे डिफाइंड हो जाएगा, मतलब यू गेट ए फाइनाइट नंबर। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि पी की ये जो वैल्यू है वहाँ इसका इंटीग्रेशन डिफाइंड है, अगर इसके अलावा आप लिखेंगे तो डिफाइंड नहीं है। तो पी क्या क्या मिला, पी 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, एंड आट सो वन। तो ये देख रहे हैं, ये जो मेरी वैल्यू जो मिल रही है ना, वो 8 जो है हमारा 8 नंबर है, वहाँ निगेटिव नहीं है। अच्छा, अगर पी, अगर मान लीजिए अगर आप -1 लिखेंगे, पी -1 लिखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो पी की वैल्यू अगर कोई आप निगेटिव लिखते हैं, तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ कहा है कि फॉर विच वैल्यूज पी, आप पी डज ए देयर एग्जिस्ट होलोमार्फिक फंक्शंस, तो यहाँ इंटीजर्स की बात आई है, तो यहाँ सभी इंटीजर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, निगेटिव भी लिख देंगे, पी -1 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ जेड अगर -2 लिखेंगे तो -2 लिखने पर भी ऊपर चला जाएगा। तो निगेटिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉजिटिव अगर 2 लिखेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ क्या है, कह रहा है कि आल इवन इंटीजर्स नहीं, आल इवन इंटीजर्स के लिए तो गलती हो जाएगी ना, आल ऑड इंटीजर्स, आल ऑड 1, 3, 5 -1 भी होगा, -3 पर भी होगा। खैर, माइनस अगर कोई भी वैल्यू आप लिखते हैं ना, तो माइनस सबके लिए वो डिफाइंड है, निगेटिव इंटीजर्स वहाँ -2 -3 सबके लिए डिफाइंड है। तो यहाँ एक क्वेश्चन की गेम पलटी जा सकती थी, यहाँ आल ऑड इंटीजर्स लिखा है, तो ऑड आल इंटीजर्स का मतलब यहाँ -1 है, सॉरी 1, 3, 5 भी है, -1 भी है, -3 है, -5 भी है। लेकिन अगर P में -2 यहाँ लिखूँ, तो P यहाँ -2 लिखने पे क्या होगा, यहाँ जेड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और जब जेड स्क्वायर आपका ऊपर आ जाएगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती जब जेड नीचे बसता, उसके इंटीग्रेशंस में लाग जेड आता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और टेक्निकल भिड़ाया जा सकता था कि वो आल ऑड इंटीजर्स के साथ, मतलब आल ऑड इंटीजर्स तो ही है, साथ साथ जो है निगेटिव आप जो है इवन इंटीजर्स लेते हैं, तो वहाँ भी वो डिफाइंड है। तो आल ऑड इंटीजर्स के लिए तो 100% ट्रू है, बाकी तो फिर कोई है ही नहीं है। आल मल्टीपल ऑफ 3 नहीं,
मल्टीपल ऑफ थ्री में सिक्स भी आएगा और सिक्स पे नहीं है। ओके, तो ये तो सही नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आल मल्टीपल ऑफ फोर, फोर हमने पहले ही काटा है, नहीं है वहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आप निगेटिव लिखेंगे तो वहाँ तो सही है। अगर ये लिखता आल मल्टीपल ऑफ निगेटिव ऑफ द फोर तो फिर तो वो क्लियर हो जाता, सही हो जाता हो, क्योंकि निगेटिव के लिए वो चीज़ डिफाइंड हो जाएगी। जैसे हमने पी निगेटिव लिखेगा तो अंधे ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर गया तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम है, जब आपका फिनिश हो गया तो फिर बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। तो ये जो जी ऑफ जेड है आपका एनालिटिक होगा, डिफाइंड होगा, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब इंटीग्रेट कर सकते हैं जब पी की वैल्यू मेरी सभी की सभी जो है आड इंटीजर्स है। अब हम देखिए जो जनरल की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने जनरल क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजंस क्या है, यहाँ आ जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा अब इसको मैं यहाँ डिलीट कर दूँ। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर ऐसे आप लगाएंगे इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन में तो यू हैव इन प्रॉब्लम, हमने पहले ही बता दिया है कि आप वैसे मत लगाइए, एक दो करके देख लीजिए, उसके बाद जनरली आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या होने जा रहा है। अब जैसे अगर हम इसको तोड़ें तो फिर क्या होगा, ये हमारा होगा g ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन z रेज टू द पावर 2n माइनस वन अपान फैक्टोरियल 2n माइनस वन इंटू z रेज टू द पावर p, ये हो गया dz। ओके, तो चलिए बाहर करिए, प्लस लैम्डा है, कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट से मैं हटा दे रहा हूँ। होलोमार्फिक फंक्शंस की दुनिया में कांस्टेंट मैं ऐड कर दूँ, निकाल दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो फिर इसको जो होलोमार्फिक है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमने वहाँ छोड़ दिया है क्योंकि मुझे वहाँ देखना है, पी देखना है। तो अगर ये ऊपर चला गया तो क्या बचेगा इंटीग्रेशंस में, जेड रेस टू दी पावर टू एन माइनस पी माइनस वन, और यहाँ डी जेड हो गया, इंटीग्रेट करिए इसको, तो माइनस वन रेस टू दी पावर दिस अपान फैक्टोरियल टू एन माइनस वन, इसका अगर इंटीग्रेशंस करेंगे तो जेड रेस टू दी पावर टू एन माइनस पी माइनस वन प्लस वन होता है, तो ये हो गया अपान टू एन माइनस पी। ठीक है, ओके। अब यहाँ कहाँ नहीं होगा वो, अगर हम पी इज इक्वल टू यहाँ अगर देखें, अगर पी इज इक्वल टू मैं टू एन अगर लिख दूँ और यहाँ जो एन मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बी एनी नेचुरल नंबर, तो फिर ये तो क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, यू हैव इन प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशंस जो होता है ना, ये तब के लिए ट्रू है जब ये चीज़ से थोड़ा हम बचते हैं, यहाँ जब ये पावर का इंटीग्रेशंस करें, अगर यहाँ कहीं ऐसा है ना तो थोड़ा बचने का प्रयास करिए, क्योंकि वन बाई जेड और बाकी जो जेड का पावर है उसके इंटीग्रेशंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वन बाई जेड जो है लाग जेड क्रिएट कर देता है, बट वन बाई जेड स्क्वायर जब लिखेंगे तो माइनस टू अपान जेड हो जाएगा, और लाग जेड ना ये टू बाई जेड सिर्फ जेड इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है, बाकी जगह पूरा वो डिफाइंड है, पूरे जगह होलोमार्फिक है, लेकिन लाग जेड आ जाएगा तो डोमेन्स के बहुत बड़े सिनारियों में हमारा होलोमार्फिक नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इन द सेंस ऑफ द इन द वर्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दुनिया में ये चीज़ थोड़ी ध्यान देते हैं, इसलिए हमने इसको इन जनरल नहीं लिखा है, यहाँ तो जनरल दिखाई दिया, अगर बी इज इक्वल टू टू एन लिखेंगे तो यू हैव इन ए प्रॉब्लम, बट वन बाई जेड देखिए कहाँ आ रहा है, क्योंकि लाग जेड ही आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का कभी भी क्वेश्चंस क्रिएट हो ना इंटीग्रेशंस का या डिफरेंशिएशंस का, जहाँ लाग जेड आ रहा हो और बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दुनिया में, तो एक एक वैल्यू रख करके आप देखिए, आप फंसेंगे नहीं कहीं, धड़ल्ले से वो चीज़ पार कर जाएंगे, निकल जाएंगे, नहीं अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इस क्वेश्चंस के पीछे लगाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था, अगर ऐसा दिया है तो जनरल लिख करके उसको इंटीग्रेट मत करिएगा, एक एक करके देख लीजिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशंस निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी वे में आपको मिल जाएगा। तो ये सलाह है आपको, जब भी ऐसा कहीं भी क्वेश्चन हो तो वन टू थ्री लेकर के आप करके देख लीजिए। अब ये क्वेश्चंस जो मैंने ये उठाया है सिर्फ बस इसलिए लिखा है कि थोड़ा दिल कर रहा था मेरा कि इस क्वेश्चंस को मैं लगाऊं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस CSIR का पेटेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, तो ये ना हो कि ये छूटे ना इस टाइप की चीज़ें। एक क्वेश्चन इस पे और भी ऐसे ही बना था तो उसको मैंने नहीं पिकअप किया है, उसमें कोई बहुत दम नहीं था। यहाँ थोड़ी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है कैसे है देखिए, ये तो एक पेटेंट क्वेश्चन ही है CSIR नेट वालों का, हमेशा ये चीज़ें आता रहता है। लेटगाम अभी पॉजिटिव ओरिएंटेड बहुत जगह काउंटर क्लॉकवाइज लिखते हैं,
पॉजिटिव ओरिएंटेड का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, कुछ लोग उसको लैंग्वेज में पॉजिटिव ओरिएंटेड कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय दिस, मतलब गामा सर्किल है जिसका सेंटर वन है, रेडियस हाफ है। अब ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, तो ये जो है सीधे हमारा इस वाले फार्मूले पे चलता है कि अगर ये हमारा एफ ऑफ जेड डी जेड है किसी हमारे डोमेन में, हमारा कोई रीज़न अगर गामा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 2πr समेशन r। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हमेशा इस पर क्वेश्चन बनता ही रहता है। समेशन r का मतलब सम ऑफ द ऑल रेजिड्यूज जो भी हमारे इस रीजन में लाई कर रहे हैं, और 2πi इंटू समेशन आर, ये मेरा फार्मूला होता है। इस इंटीग्रेशंस की ये वैल्यू होती है। तो अच्छा, यहाँ समेशन आर क्या है, रीजन्स में जितने आपके पोल्स हैं, जो रेजिड्यू हैं, रेजिड्यू निकालते हैं किस पॉइंट पे हमारा जो है पोल्स है, वहाँ उसके हम लोग रेजिड्यू की बात करते हैं। और पोल्स कैसे हम लोग डिफाइंड करते हैं कि कोई भी पॉइंट पोल होता है, पोल के लिए बड़ा ज़बरदस्त है एक लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो या ऑफ जेड, ये जो वैल्यू होती है इन्फिनिटिव आती है। अगर जेड जेड नॉट की ओर टेंड करता है और फंक्शंस की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, तब हम कहते हैं कि जेड नॉट वो पोल है और पोल पे हम लोग रेजिड्यू निकालते हैं। उसी पर ये क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले फंक्शंस को हम लोग थोड़ा अच्छे ढंग से कर लें। जेड प्लस वन ब्रेक कर लेते हैं, जेड माइनस वन डी जेड, और ये जो आपका गामा है ना, गामा ये है, थोड़ा फिगर बन जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए। जेड इज इक्वल टू वन कहीं यहाँ होगा और हाफ इसकी सर्किल है, नहीं सारी रेडियस है, तो ये है सर्किल है ये। अब यहाँ देखिए, जेड इज इक्वल टू जीरो अगर सर्किल कहीं ऐसा हो जाता ना, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता, तो ये इंटीग्रेशंस बहुत ही टफ हो जाता, वहाँ डिफाइंड ही नहीं होता, तो फिर तो ऐसा होगा नहीं। अगर ये सर्किल गामा अगर यहाँ हो जाती तो क्या होता पता है, इंटीग्रेशन ये चीज़ हम क्वेश्चंस को लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था बस। अगर z इज इक्वल टू जीरो, मतलब गामा अगर सर्किल मेरी ये हो जाती कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू वन, तो z इज इक्वल टू जीरो यहाँ हो जाता, और जब z इज इक्वल टू जीरो हो जाता तो फिर क्या होता, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि z इज इक्वल टू जीरो के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ प्रॉब्लम हो जाती। और z इज इक्वल टू जीरो e रेस टू दी पावर वन बाई जेड के लिए एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं, फिर एक अलग दुनिया, अलग कहानी शुरू हो जाती। तो इसीलिए वो सब चीज़ें यहाँ नहीं की गई है, सीधे सपाट बात की गई है कि जो सर्किल बना दी गई है वो यहाँ बना दी गई है और जेड जीरो है ही नहीं। तो हम देखते हैं कि पोल्स कहाँ सर्किल के अंदर है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या क्या आया, पोल्स क्या क्या आया, जेड वन आया और माइनस वन आया। अगर जेड मैं यहाँ वन लिखूँगा तो जीरो लेस देन हाफ हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू वन जो है ये इस सर्किल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जेड इज इक्वल टू अगर आप माइनस वन लिखते हैं तो माइनस वन जेड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और तो सर्किल के बियॉन्ड हो गया। तो जो ये जो पार्ट्स है यहाँ पोल नहीं है, पोल सिंपली यहाँ है, तो फिर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये 2πi इंटू लिमिट पोल कहाँ है, जेड इज इक्वल टू वन पे है, तो जेड टेंड्स टू वन, जेड माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड मेरा पूरा ये हो गया, जहाँ फंक्शन पूरा एनालिटिक है, तो ये हो गया जेड ई रेस टू द पावर वन बाई जेड अपान जेड माइनस वन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जेड इज इक्वल टू वन लिख दीजिए तो 2πi आयोटा इंटू वन, जब लिखेंगे वन हो जाएगा और जेड के वन लिखेंगे तो वन ही हो जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी अपान नीचे जेड प्लस वन भी तो है दिस, तो ये बाई कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पाई आयोटा आई या ई बचा, ये हुआ। तो अभी देख लीजिए, इसे कोई मतलब नहीं है कौन ऑप्शन सही है, तो निकला ही है, लेकिन बट यहाँ भी गेम खेली जाती है, ये माइनस है बट ये माइनस नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है कि नेट CSIR नेट वाले ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव में भी स्टूडेंट बड़ा कन्फ्यूज कर जाता है, तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए। बहरहाल अगर रस्म अदायगी करनी है तो अगर मुझे टिक ही मारना है तो फिर ऑप्शन वन इज़ द राइट हियर, ये राइट है, बाकी सही नहीं है, देख ही रहे हैं आप। तो हमेशा एक पेटेंट क्वेश्चन रहा है CSIR नेट वालों का, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता ही रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है
आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम वहाँ उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।